हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश टेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12th पर लेक्चर 7 पर बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, युग्मक स्थानांतरण। किंतु हम लेक्चर आगे शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? वो क्वेश्चन आपको बताने होंगे, ठीक है? चलो देखो कौन क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहां पर हमको ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, कौन कौन युग्म निर्माण के समय किन जनकों में समसूत्री विभाजन होता है, ये बताना है आपको। युग्म निर्माण के समय किन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। और ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में युग्म निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है। तो आज हमारा जो अब हम यहाँ पे एक टॉपिक शुरू करते हैं उसमें क्या है, युग्मक स्थानांतर। तो अब क्वेश्चन आता है क्यों स्थानांतरण होता है, किस प्रकार होता है, स्थानांतरण क्यों कहते हैं और इसके उपरांत क्या क्या घटनाएं घटती हैं। चलो देखो मैं नोट डाउन करता हूं। देखो क्या होता है यहां पर कि नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं। याद रखना यहां पे नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आने की घटना ही युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। युग्मकों को पास पास आने की परिघटना युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। और जब ये पास पास आके आपस में मिलते हैं, जब ये दोनों युग्मक पास पास आके मिलते हैं तब इस घटना को हम युग्मन या निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। याद रखना जाने की घटना स्थानांतर है लेकिन मिलने की घटना युग्मन या निषेचन कहलाती है। अब देखो अधिकांश जीवों में मादा युग्मक जो होता है स्थानबद्ध होता है, मतलब वो गति नहीं करता है, जबकि नर युग्मक गतिशील होता है। नर युग्मक कैसा होता है, गतिशील होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बात ठीक है कि अधिकांश जीवों में, लेकिन हाँ याद रखना कुछ जीव मुख्यतः शैवाल और फंजाई, शैवाल फंजाई कैसे होते हैं, दोनों के युग्मक गतिशील होते हैं, दोनों के युग्मक गतिशील होते हैं। शैवाल और फंजाई के दोनों युग्मक गतिशील होते हैं, यानी नर युग्मक भी गतिशील होता है और मादा युग्मक भी गतिशील होता है। अब फिर दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये गति कैसे करते होंगे, बिल्कुल बात ठीक है, ये गति कैसे करते होंगे। इनको इनको गति करने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, इनके गति करने में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो किनके युग्मक जल के माध्यम से गति करते हैं, ये बिंदु आपको नोट डाउन करना। देखो कौन ये जो है शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके युग्मक जल के थ्रू गति करते हैं। कैसे गति करते हैं, जल के थ्रू गति करते हैं। अब यहां पर याद रखना इनका जो गति करने का माध्यम वो जल है। अब यहां पर याद रखना जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, जो अपने युग्मकों को जल के थ्रू एक दूसरे के पास भेजते हैं युग्मन की क्रिया के लिए, उनको नर युग्मक काफी बड़ी संख्या में उत्पन्न करने पड़ते हैं। मतलब उनको नर युग्मक बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करने पड़ते हैं। क्यों उत्पन्न करने पड़ते हैं, देखो क्या होता है कि जब युग्मक जीव द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं तब उनको एक बड़ी संख्या को रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में उनको कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि अधिक से अधिक युग्मक होंगे तो कम से कम कुछ युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच जाएंगे, कुछ नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचकर फर्टिलाइजेशन क्रिया करने में सफल होंगे। देखो आगे क्या है, चलिए तो इसमें क्या होता है, अनावृत बीजी पादप यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी पादप यानी एंजियोस्पर्म में नर युग्मकों का वहन अब जल के थ्रू नहीं होता है। देखो क्या हुआ, जैसे जैसे विकास हुआ, पृथ्वी ने पृथ्वी पर जैसे जैसे जीवन की कहानी आगे बढ़ी तो जैव विकास की दृष्टि से कहा गया ये तो ठीक नहीं है,
जल के थ्रू युग्मक भेजे जाएंगे, इसके लिए सदैव जल की रिक्वायरमेंट होगी। जल के थ्रू युग्मक भेजे जाएंगे, इसके लिए अधिक से अधिक युग्मक बनाने पड़ेंगे, यानी एनिमल को अधिक से अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि एक काफी महंगी प्रक्रिया होगी। उसमें से अधिक युग्मक नष्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आवृतबीजी पादपों में और अनावृतबीजी पादपों ने और आवृतबीजी पादपों ने क्या किया कि नर युग्मकों का वहन, नर युग्मकों का स्थानांतरण जल के थ्रू ना करके परागकण के थ्रू कर दिया, है ना। किसके थ्रू शुरू किया? परागकण के थ्रू। देखो वही तो दिखा इसमें कि जल के माध्यम से नहीं होता है बल्कि परागकण के माध्यम से होता है। अब क्वेश्चन पर परागकण कहां बनते हैं? तो जो परागकण है, परागकण का निर्माण पुष्प के पराग कोश में होता है। किसमें होता है? पराग कोश में होता है। मैं इसको सीख लेता हूं, पराग कोश में होता है। तो परागकण का निर्माण पराग कोश में होता है। हो गया पराग कोश में निर्माण, अब क्या करेगा परागकण? परागकण पराग कोश में बन गया, अब क्या करेगा? अब परागकण पराग कोश में बनने के बाद वर्तिकाग्र पर जाएगा। अब क्वेश्चन आया, सर आप तो कह रहे हो जल की आवश्यकता है नहीं, और ये भी कह रहे हो कि युग्मक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा, तो वो होगा युग्मक स्थानांतर। अब इसको यहां से यहां तक कौन लेकर जाएगा? बिल्कुल सही बात है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अब पराग कोश से परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। वो परागणकर्ता वायु भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, कीट भी हो सकता है, यानी वैरायटी ऑफ हो सकते हैं। अब इसके बाद वर्तिकाग्र के पास ये बीजांड में जाएगा। कहां जाएगा? बीजांड में जाएगा, और बीजांड में जो मादा युग्मक अंड कोशिका होती है, इससे जाके वो फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने की क्रिया क्या कहलाती है? युग्मन या निषेचन कहलाती है। अब एक चीज सुनो, यहां पर जो निषेचन की क्रिया हो रही है वो मादा के अंदर हो रही है, मादा के अंदर हो रही है, और जबकि शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जो निषेचन की क्रिया हो रही थी वो नर और मादा युग्मक की जो मिलन हो रहा था, नर और मादा युग्मक जो मिल रहे थे वो बाहर मिल रहे थे। तो जब ब्रायोफाइटा, शैवाल और टेरिडोफाइटा में जो युग्मन हो रहा था वो शरीर के बाहर हो रहा था, उसे बोला जाता है बाहर निषेचन। क्या बोला जाता है? बाहर निषेचन। और जबकि पादपों में यहां अनावृत बीजी और आवृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो निषेचन की क्रिया हो रही है वो पुष्प के यानी मादा के अंदर हो रही है, यानी बीजांड के अंदर हो रही है। तो ये अंदर, तो इसलिए अंतः, इस घटना को अंतः निषेचन कहा गया। क्या कहा गया? अंतः निषेचन कहा गया। तो बाहर निषेचन किसमें किसमें होता है? शैवाल में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, टेरिडोफाइटा में होता है, और जबकि अंतः निषेचन किसमें होता है? अनावृत बीजी और आवृत बीजी पादपों में अंतः निषेचन की घटना होती है। तो अब देखो, अब क्या होता है, जो द्विलिंगी पादप होते हैं, कैसे होते हैं? द्विलिंगी पादप मतलब एक ही प्लांट पर नर और मादा युग्मक उपस्थित हो, नर भी हो और मादा भी हो, ठीक है। द्विलिंगी पादपों में स्वतः निषेचन की क्रिया होती है। अब यहां पे एग्जांपल, जैसे मैं मटर ले लेता हूं, ठीक है, मैं वही एग्जांपल लूंगा जो आपके एनसीईआरटी में बढ़ लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है। तो यहां पे हम मटर ले लेते हैं, क्या लेते हैं? मटर। तो इनमें अब परागण के लिए परागकर्ता की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो साफ साफ लिखा है स्वतः निषेचन, अर्थात इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक इतने पास पास होते हैं, सॉरी, नर जो होता है, नर ऑर्गेनिज्म होता है और मादा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दोनों इतने पास पास होते हैं कि नर युग्मक जैसे ही जीव से उत्पन्न होते हैं तुरंत मादा युग्मक के संपर्क में आ जाते हैं। तो क्या होता है, इसमें वही लिखा है स्वतः निषेचन की क्रिया होती है, इसमें नर युग्मक मादा युग्मक के डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, निषेचन होता है। जबकि परपरागित पादपों में, अब परपरागित पादप क्या होगा, जिसमें नर युग्मक अलग होगा और मादा युग्मक अलग होगा। तो अब ये होता किसमें? एक लिंगाश्री पादप में। अब एक लिंगाश्री क्या है?
नर एक पुष्प पर हो और मादा मादा दूसरे पुष्प पर हो, दूसरे पुष्प पर हो तब, तो एक लिंगाश्रम क्या होता है। अब इसको यहां पर लाने के लिए कोई ना कोई परागणकर्ता की रिक्वायरमेंट होगी, तो वही लिखा है कि पर परागित एक लिंगाश्रय, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उभय लिंगाश्रय। गलती नहीं करना, मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, ठीक है, उभय लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय पादपों में परागण की क्रिया होती है, क्या होती है, परागण क्रिया, और परागण क्रिया क्या होती है, परागण क्रिया पराग कोश से, पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, घटना घटती है। अब ये परागकण जो होता है वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंच के अंकुरित होगा और उस अंकुर के माध्यम से पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका के थ्रू अंदर नर युग्मक को लेके जाएगी और वहां बीजांड में जाके अंड कोशिका के पास नर युग्मक को रिलीज कर देगी और अंड कोशिका और नर युग्मक आपस में फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। और कुछ अतिरिक्त बिंदु और नोट करते हैं, देखो क्या है, चलो ये अतिरिक्त बिंदु रहे। देखो इसमें क्या होता है, जब मेल गैमेट तैरकर, तैरने का मतलब है जब परागण चल के थ्रू वो तैरकर फीमेल गैमेट के पास जाता है, तब इस घटना को जूडोगैमी कहते हैं। ये अतिरिक्त बिंदु वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और जब जब मेल गैमेट पराग नलिका, याद रखना यहां पर तैरकर जा रहा है और यहां पर पराग नलिका के थ्रू जा रहा है, ठीक है, के माध्यम से फीमेल गैमेट तक जाता है, तब इस घटना को सिंफोनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंफोनोगैमी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले पराग नलिका कहां बनी होगी, तो याद रखना सबसे पहले पराग नलिका अनावृत बीजी पादपों में बनी। किसमें बनी, अनावृत बीजी पादपों में बनी, अनावृत बीजी पादपों में बनी, ठीक है, पादपों में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पराग नलिका बनी। धन्यवाद, शेष अगले वीडियो में पढ़ते रहिए।